जय हिंद दोस्तों, अर्ली इन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो आ चुकी है, आज ही आई है, कल से अप्लाई होगी, इसके डिटेल में अब हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें, इसलिए कि इससे जुड़ी हर कोई खबर छोटी या बड़ी आप तक हम सबसे पहले पहुँचाएंगे, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे हर अपडेट सबसे पहले टन से आपके पास पहुँच जाए। तो हम बात करते हैं इसके पहले सबसे पहले पॉइंट की, अगर आप 12th पास हो तो इस फॉर्म को आसानी तरह से फिल कर सकते हैं और एज 18 से 25 होना चाहिए। एज भी मैं क्लियर करने वाला हूं इसमें कि आपको एज कब 18 होना चाहिए, कब 25 होना चाहिए। तो ले चलते हैं इसकी पूरी डिटेल्स को, अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, चलिए ले चलते हैं। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, आपको नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं कुछ आपको मोटा मोटी जानकारी जो हेडलाइट है जो आपको बहुत ज़रूरी है उसको मैं आपको सबसे पहले दिखला देता हूं, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं, एप्लीकेशन जो अप्लाई स्टार्ट होगा जो आपका 5/10/2019 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपका होगा 4/11/2019 को, लास्ट डेट में ही आपको पेमेंट कर देना है 4/11/2019 को। आपका दो पॉइंट में बता दूं आपको कि अप्लाई डेट कल से स्टार्ट है और 4/11/2019 तक रहने वाला है। एडमिट कार्ड की अभी कोई डेट नहीं है ना एग्ज़ाम डेट का अभी शो है, इसका जैसे भी नया अपडेट आएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड बात करते हैं इसके पेमेंट की, जो पेमेंट रखा गया है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 450 है, ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए आपको 112 रुपया है। ये तो अब 112 रुपया और अच्छी बात है आप लोगों के लिए, और ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 450 रुपया। और ये जो पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो और नेट बैंकिंग हो, आप किसी तरह भी आपको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट, पोस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा 11,880 पोस्ट, आपको थंब पर भी देखकर पता लग गया होगा कि टोटल पोस्टों की संख्या क्या है, 11,880 पोस्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एज, एज जो है आपको देखिए कांस्टेबल है, टोटल पोस्ट दिया है, एज मेन हमको यही बताना है आपको, एज 1/8/2019 में आपको डेट 18 साल पूर जा रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। और आपको बता दें मैक्सिमम 1/8/2019 तक आपका 25 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नहीं सक्सेस होगा। चलिए बता दूँ यहाँ भी ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेटों को छूट मिलने वाली है, ओबीसी कैंडिडेटों के लिए आपको 27 वर्ष रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए आपको 28 वर्ष रखा गया है एज। और भी इसकी डिटेल्स आपको क्लियर करते चलेंगे सब चीज़ एक एक चीज़। उसके बाद 12th पास आपको होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से हो आपको ओनली फॉर 12th पास होना चाहिए, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हो उससे मतलब नहीं, आपको 12th ओनली फॉर पासिंग होना मतलब पास होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स मैं बता दूं आपको, किस कैटेगरी में क्या पोस्ट रखा है इसके बारे में भी डिटेल कर लेते हैं। जो कांस्टेबल के जनरल के लिए आपको ये रखा गया है 4,740 और बीसी के लिए 1,419, ईडब्ल्यूबीसी के लिए आपको 2,129, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,188, एससी के लिए 1,893 और एसटी के लिए 1,119 पोस्ट है, बीसी फीमेल के लिए आपका 334 पोस्ट है, ठीक है। ओनली फॉर बीसी फीमेल आपको इसलिए रखा गया है कि अगर आप जनरल से फीमेल है तो आपको इसी में आ जाएंगे, आपको ओनली फॉर बीसी फीमेल के लिए ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको मैं तो पहले भी बता चुका था, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फिजिकल्स के लिए। तो फिजिकल्स के बारे में बात कर लें, जो मेल कैंडिडेट हैं ओनली फॉर उनके लिए पहले मैं बता दूँ, ओबीसी और के लिए ऊपर वाला लाइन और जनरल के लिए और नीचे एससी एसटी के लिए। ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 165 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए, मिनिमम 165,
और आपका 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी कैंडिडेट हैं। तो अब बात करते हैं चेस्ट में, आपको 81 से 86 होना चाहिए, 79 से 84 होना चाहिए। दौड़ जो होगी आपके 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट मैक्सिमम है, और आपको इसमें से गोला फेंकना है 16 पाउंड का, 16 फीट कम से कम। उसके बाद 4 फीट आपको हाई जंप है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए इसी पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के आपको ऑल कैंडिडेट के लिए आपको डायरेक्ट है, इसमें कोई आपको एस सी एस टी ओ बी सी आपको नहीं बांटा है। फीमेल के लिए सारे के लिए एक ही रूल रखा गया है, 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना है। चेस्ट के लिए आपके लिए नन, आप लोग का फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है। सेकंड बात करते हैं, आपको 1 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट में मैक्सिमम आपको क्वालिफाई करना है, और आपको 12 पाउंड के जो गोला होंगे उसको 12 फीट फेंकना है, और 3 फीट आपको हाई जंप करना है। इसके बाद हम डिटेल्स को और चलते हैं। वैकेंसी डिटेल्स, आपको किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अपना यहाँ पूरा दिया गया है। जैसे मैं अब हर एक डिस्ट्रिक्ट का तो बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ जो पटना, नवा, बक्सर, भोजपुर सबका डिटेल्स आपको यहाँ दिया गया है। मैं आपको ये पिक्चर एक आपको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पर से, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकती है, नहीं तो आपने जहाँ भी नोटिफिकेशन में वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है अर्ली यूनियन जॉब में, तो आपको उसमें भी ये सेंड हो जाएगा। देखिए पूरे डिटेल्स, अगर मैं एक तो और बात बता दूँ आपको, दिखला देता हूँ, अगर इससे बाद भी कोई प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकती हैं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप वीडियो रोक कर भी सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने डिटेल्स देख लिए होंगे। चलिए अब आपको हम कुछ नोटिफिकेशन के दिखा दें, ओरिजिनल तो ये आपको साइट से डाउनलोड किया गया है नोटिफिकेशन, जहाँ से आपको पूरी डिटेल्स इसमें भी दी गई है। मैं वहाँ जो डिटेल बताया उसी से रिलेटेड यहाँ है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और एक और बात, इतना जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, इसके हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचाते आ रहे हैं। तो यहाँ भी आपको देखिए पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कितना भर्ती है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऐसे मारी मैं लगभग सारी चीज़ों को डिटेल्स कर दिया हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। ये आपको मैं ओनली फॉर दिखला रहा हूँ, इसमें की सारी डिटेल्स आपको मैं उधर ही दिखला दिया हूँ। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ आपको सारे डिटेल्स, इसके बाद जो होगा परीक्षा किस प्रकार होगी, परीक्षा पर रिजल्ट बनेगा या फिजिकल पर बनेगा, इसका सारा डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको उम्र के लिए भी दिखला दूँ, अगर आपने उम्र में अभी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए 25 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष रखा गया है, अधिकतम उम्र 30 वर्ष। ऊंचाई में भी आपको मैं सबसे चीज बता ही चुका हूँ। मैं इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपका लिखित परीक्षा किस प्रकार होगी और इसका फिजिकल पर मेरिट बनने वाला है कि रिटेन पर, आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी। दौड़ में आपको किस प्रकार से क्या क्या करना है उसकी भी आपको हम बता दिया जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नया अपडेट हम जल्दी लेकर आते हैं। वंदे मातरम।